झगड़ा करो जेड़े जिंदा कर दे सारे कर दे। पर अज का मेरा जो मैसेज है अज का जो वचन है अज का जो परमेश्वर का ताड़े वास्ते प्रॉमिस है परमेश्वर कहते हैं नो वरीज चिंता ना करो। हालेलुया एक बार ताली बजा के अज वचन रिसीव करो सब अपनी बहुत सारी ऊर्जा अपनी बहुत सारी शक्ति और अपनी जिंदगी के बहुत सारे पल वेस्ट कर देने हैं की करके चिंता करके चिंता की कितना होगा हुण की करांगे कितना बढ़ोगे हाय इदा हो जूगा हाय उदा हो जूगा। परमेश्वर कहते ने नोट कर लो इस गल जिहड़िया चीजा तुहाडे नियंत्रण दे विच नहीं खन तुसी उना दे बारे सोच के अपना टाइम वेस्ट ना करो। फॉर एग्जाम्पल दिनी हुण कई लोग गर्मी करके बड़ी चिंता करी जाते हैं ना तापमान हाए अज 45 डिग्री हो गया बहुत गर्मी गल भी करे कि दूसरे फोन करके आज कितने बहुत गर्मी हाए असी मर गए हाए असी लुटे गए हाए इदा हो गए। हुण ताडे नियंत्रण दे विच गर्मी नूं वधाउणा घटाउणा हैगा जे हैगा ते बोलो हैगा किस दे विच तापमान नूं कंट्रोल करना किसी दे हत्थ वस हैगा इत्थे तुसी 40 तों 39 डिग्री तापमान कर सकदे हो जो है सो है। जिहड़ा गर्मी का मौसम है वह हैगा ही है और तुसी सोच सोच के चिंता कर करके ना तो टेंपरेचर बढ़ा सकते ना घटा सकते लेकिन तुसी एक काम कर सकते हो वो की तुसी अगर ये जिहड़ा मौसम है इनू तुसी बदल नहीं कर सकते लेकिन तुसी एक काम कर सकते हो तुसी इहदे जो जिहड़ा मौसम आ जिस तरह की तुहानू परिस्थितियों का सामना करना पैंदा आ तुसी अपना रवैया चेंज कर सकते हो तुसी की कर सकते अपना रवैया चेंज कर सकते हो तुसी इतना बोल सकते हो कि हाँ भावे अज 45 डिग्री तापमान आ पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ कि परमेश्वर ने मैनू शक्ति दी है मैनू पावर दी है कि मैं इन्ना तापमान इन्नी गर्मी नू सहन कर सकता हाँ। हालेलुया मैं अपने दिन नू की करूंगा सेलिब्रेट करूंगा तुसी गर्मी तो घबरा जाओगे ताडा बीपी लो हो जाओ जिसरा शायद सिस्टर जी है ना बड़ी खुशी हुई मैनु कि इन्होंने लंगर बनाना शुरू किया और कदों शुरू किया जदों हाई टेंपरेचर बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं कह भी रहन दे बना लो गर्मी बहुत है ना पर मैं देखती इन्होंने ना कोई पखा आया ना उत्ते हवा आती है पर फिर भी काम कर रहे एक ऊर्जा एक शक्ति परमेश्वर ने इन्हों दी है इवें सोच सकते हैं। कई बार मैं भैन देखा ना घरे अज गर्मी बहुत अज रोटी की जगह चौल ही बना लें कर देना अच अच साढ़े को भी रोटी नहीं पकनी असं अच चौल ही बना लें साढ़े को रसोई च खड़े बनो असी नहीं खोल सकते रसोई च भाई आप गर्मी बहुत लगती चक्कर बहुत होंगे पे लेकिन थोड़ा रवैया कि यस मैं बर्दाश्त कर सकती हाँ परमेश्वर के लिए ते तुसी अपने दिन नू आशीष वाला दिन बना सकते हो। हालेलुया हालेलुया ताडे नाल कोई बदतमीजी करदा नो वर कोई चिंता नहीं करनी बोले आमेन। ताडे सामने कोई मुश्किल आ गई नो वर बोलो नहीं कोई चिंता नहीं मैनू। ताडे उत्ते कोई बीमारी आ गई कोई चिंता नहीं ताडा बिजनेस लो चलता पिया पैसे नहीं आते कोई चिंता नहीं याद रखो रोज एक शब्द बोलो कि मेरा परमेश्वर मेरा दाता या मैं सब कुछ प्रोवाइड करने वाला कि उन्हें पता मैं कीड़िया नालों मैं चिड़िया के कावा नालों उत्तम हालेलुया हालेलुया। बाइबल च लिखा चिंता करके कौन अपनी जिंदगी का एक पल वधा सकता है कि चिंता करके तुसी अपनी जिंदगी के दिनों बता सकते कर सकते कुछ
चिंता करके एक काम हो सकता है सर के वाल चिट्टे हो जाएंगे समय तो पहले। चिंता करके तुम समय तो पहला बुढ़े लगन लग पाओगे। चिंता करके तुम समय तो पहला कमजोर हो जाओगे। ताकि बॉडी ताकि शरीर कमजोर हो जाएगा। इस करके अजीजो सानू चिंता करन की लोड़ नहीं है। मत्ती 6 उदे 31 वचन च लिखा तुसी चिंता करके ए ना कहो कि मैं की खाऊंगा मैं की पहनूंगा। ताड़ा स्वर्गीय पिता ताड़े सोचन तो बद के तानू देन दी शक्ति रखता है। हालेलुया। जो बहुत चिंता होंदी ना तानू अपसेट हो जांदी आ दिमाग दे उत्ते टेंशन आ जांदी आ ते नाली दे विच ना जड़े कीड़े मकौड़िया नू देखिया कीड़ी नू देखिया करो कावा नू देखिया करो चिड़िया नू देखिया करो तो सोचिया करो कि रब इन्हां नू कितना दिंदा खाण। की करे तुसी इदां देखिया कां भुख ना मर गए हुण कुत्तिआं नू रोटी नहीं मिली कुत्ते मर गए भुख ना। रब हर शाम नू सारे नू रोटी खवा के ही सोंदा। एक बार रब लई धन्नवाद कर दो जिहड़ा सानू रोटी देण वाला जिहड़ा सानू सब कुछ देण वाला। तो फिर असीं चिंता करके क्यों परेशान होंगे। तुसीं अपना दिन वेस्ट करदे आ चिंता कर। असीं एक दिन चिंता च मैं एक दिन चिंता च पै गई। मैं सोचा हाए पैसे है नहीं मैं की करा क्योंकि मैंने इदा मैं चिंता चुंता जी की। 5 मिनट बाद मैं कॉल ली अपने टीम के बच्चे मैं क्या चल अपना ना मैंने शॉपिंग करने जो की हुआ जी मैं क्या चल चलिए सारी टेंशन एक पास छड़ दो। प्रभु नु पता सी की खाना की पहनना प्रभु जानता सब कुछ। खाना भी चिंता करके कुछ नहीं बदल। चिंता करके गर्मी गर्मी रहनी है चिंता जिन्नी मर्जी करी जाओ पर साडा बीबी बच जाएगा जा घट जाएगा इन्ना ही होना है और कुछ नहीं होना। जे तो चिंता करके कोई समस्या का हल आ तो मैं तुहानू एडवाइस करूंगी सारे चिंता जरूर करो। तो जे इहदा कोई चिंता करके किसी चीज का कोई हल नहीं गा बेटर है कि तुसी सेलिब्रेट करो अपने दिन नू। हालेलुया हालेलुया। रब ने जो तुहानू दित्ता उहदे विच परमेश्वर का धन्नवाद करो। उहनू पता आ मेरे बच्चों नू किस चीज की लोड़ आ वह तुहाडी जरूरत के अनुसार तुहानू प्रोवाइड करेगा। कई बार असीं जल्दी अमीर होना चाहते ना। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਆ ਜਾਣ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਰੋਕੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਚੁਲੈਨੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੁਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਵਰੀ ਚੇਂਜ ਪਾਸਟਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਵ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਖਿੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਖਿੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਜਾਵੇ ਖਿੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੀ ਆ ਜਲਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ
पर परमेश्वर ने डिले कर लिया, हौली हौली कर रहा, इहदा मतलब परमेश्वर सानू पक्के कर रहा। आमीन आमीन। इदा कदे नहीं होगा कि तुसी रब नाल वफादार रहोगे ते रब तुहानू शर्मिंदे करूगा। मैथों लेखे इदा कदे नहीं होगा कि तुसी रोटी मंगोगे ते रब तुहानू पत्थर देगा। लो ਉਹ ਦੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਰਸੋ ਨਾਲ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕੱਢੀ ਹੋਏ ਖਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਉਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜੋ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੋਗਾ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਤੂੰ ਬਲੌਨ ਚ ਪਾਣੀ ਬਲਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਡਾ ਬੋਲੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਖੋਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਬੋਲੇ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਲੀਪੀਆ 4 ਉਹਦੇ 6 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਸਸਤੇ ਸਸਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੁਆਇਸ ਜੋ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ 400-500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਜੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨ ਇੱਦਾਂ ਜਰੀਏ ਮਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ 700 ਦਾ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਏ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੋ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਨੇ ਦਾ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਸੌ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ
एक बार ताली बजा के परमेश्वर की तारीफ करो। हालेलुया। मैं अपने ब्रदर जी को कही, मैं कह जी आ 5500 रुपया एक दया क्यों सर लवे हो, कहते जिदा तेन परमेश्वर चलाउंदा तू उत्थे चल। हालेलुया। किन्ने जने सुन रहे हैं मैंने, आमीन। जे परमेश्वर का प्यार कर दो, परमेश्वर ताड़ी सोचन तो वध के तुहाडे वास्ते करन दी ताकत रखता है। और उस मुंडे ने मैंने एक गल कही, वह कहता जी ये मेरी दिल की डिजायर आ कि तुसी एक रुपये का भी घाटे दे विचों छूट नहीं पाना, ये जिन्ने पैसे इन्ने दे तुसी छूट लैके आना, नहीं तो तुसी मेरे नाल चल चलो बाजार नूं, बाजार विच तुसी यही खरीदना क्योंकि ये मेरे दिल की तमन्ना है। ये ओहदे दिल की तमन्ना नहीं सी, ये सेना दे यहोवा परमेश्वर दे दिल की तमन्ना सी, क्योंकि परमेश्वर तुहानूं घटाउणा नहीं चाहुंदा, परमेश्वर तुहानूं वधाउणा चाहुंदा है। आमीन आमीन। तुसी चिंता करके ये नहीं सोचना कि मैं की करूंगा, तुसी राजा दे बेटे आ, तुसी राजे बन। आमीन। तुसी महाराजे दे बेटे आ, तुसी प्रिंसेस आ, तुसी राजकुमारी आ, तुसी राजकुमार आ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगली बार जो तुसी निराशा दी परीक्षा दे विचों गुजरो, अपसेट नहीं होना, परेशान नहीं होना, तुसी मजबूत बने रहना, चिंता अपनी परमेश्वर नूं दे देनी। आमीन। चिंता जो आप प्रभु नूं दे देनी है, फिर आप की करना। हालेलुया। किन्ने सुन रहे हुण सामने साडे प्रॉब्लम आ, चिंता तुसी कर देनी पे, फिर तुसी की करना, बह गए की करना, तुसी एक काम करना, तुसी प्रभु की स्तुति करनी। हालेलुया। तुसी परमेश्वर का धन्यवाद करना, आमीन च बोलना कि हो गया, बोलो हो गया, मेरा काम हो गया, बस हुण प्रभु का धन्यवाद। जो तुसी किसी चीज के बारे ज्यादा चिंता करते हैं ना शैतान, जो तुसी किसी चीज से फोकस करते हैं ना शैतान भी तो उस चीज से फोकस कर, शैतान को भी पता होगा कि ये बल्ला आस इस चीज के लिए सोच रहा है तो हुण मैं इन्हू रोकना है। मान लो तुहाडा कोई काम नहीं है ना, तुसी रोज प्रेयर करते हैं 24 आवर्स तुसी प्रेयर करते हैं, आ काम हो जाए, 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 पर हुंदा नहीं क्योंकि तुहाडा फोकस उस काम ते है, तुहाडा फोकस उत्थे नहीं होना चाहिदा, तुहाडा फोकस परमेश्वर दी स्तुति ते आराधना ते होना चाहिदा। आमीन आमीन। फिर की होएगा, तुहाडे सोचण तो पहला परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। आमीन। हाले तुसी सोचदे होंगे परमेश्वर ने तुहाडे वास्ते पहले ही कर दिया। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जेकर तुसी लंबी जिंदगी जीना चाहते हो, तुसी एक सेहतमंद तंदुरुस्त जिंदगी जीना चाहते हो, नौजवाना दी तरह तुसी दौड़ना चाहते हो हमेशा लई, पता मैं एक काम करना पैना, तुहानू चिंता छड्डनी पैणी। की करना पैना? चिंता छड्डनी। कोई तुहाडे विच हैगा जिहड़ा बुढ़ा नहीं होना चाहुंदा? हैगा? फिर जे नहीं होना फिर चिंता छोड़ो। आमीन। जिहड़ी चिंता करदे हो समय तों पहलां बुढ़े हो जाणगे। जवान रहना चाहुंदे हो, खुश रहना चाहुंदे हो, तां फिर चिंता नहीं करनी, आप तों नूं बणो, अपने स्टेटस लिख लो, अपने व्हाट्सएप दे उत्ते, अपने डायरियां ते लिख लो, नो वरी, कोई चिंता नहीं। अपनी लाइफस्टाइल बना लो, नो चिंता की, कोई चिंता नहीं। बैल आ गया, कोई चिंता नहीं। कोई मुसीबत आ गई, कोई चिंता नहीं। कोई तुहाडे केस पै गया, कोई चिंता नहीं। मेरे केस चलते पे आ, मैं कहनी नहीं, कोई चिंता नहीं, परमेश्वर पता आपे बचाऊगा, आप ही खत्म करूंगा, ओदी सारी महिमा ओदे नाम दे बन गई। आमीन आमीन। सारा समान चुक के ला गया, कोई चिंता नहीं। मैं एक दिन साढ़े गल कर रहे थे, पुलिस वाले कहते आज तुहाडा समान ना असीं तुहानूं वापस कर देंगे जेकर तुसीं ना इत्थे सैंड कर दोगे। मैं कहा भी नो चिंता, रख लो, मैनूं कोई फिक्र नहीं, मैं वह परमेश्वर का मेरा नहीं है, रखो अपने को, परमेश्वर को फिक्र होना अपने समान का। हालेलुया। चिंता रब ने तुहानूं बनाया, किसने बनाया तुहानूं? वो अपने ते हाथ रख के बोलो, मैंने रब ने बनाया, मैं रब की बेटी हूं, मैं रब का बेटा हाँ, उन्होंने मेरी चिंता है, मैनू कोई चिंता नहीं,
कोई चंगा नहीं। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਹਾਏ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗਾ। ਆਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਏ ਪੈਸੇ, ਹਾਏ ਪੈਸੇ, ਹਾਏ ਪੈਸੇ, ਹਾਏ ਪੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ। फिर अपने तुम पैसे भी देने, कपड़े भी देने, हीरे भी देने, जवाहरात भी देने, सोना भी देना, चांदी भी देना। कई लोग कहते कि सोने चांदी का प्रचार ना करो, लालच ना दो लोगों को, ये लालच नहीं है, ये परमेश्वर दी ब्लेसिंग्स। परमेश्वर अपने लोगों को गरीब नहीं रखता, परमेश्वर अपने लोगों को अमीर रखता है। मैं एक गल दस दूंगी, परमेश्वर तुहानू रूहानी ब्लैसिंग भी दूंगा, तुहानू जिस्मानी ब्लैसिंग भी देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुसी परमेश्वर के प्यारे पुत्र ते धीआं हो। एक समय इदा दा सी कि मैं जिहड़ी चीज मैनूं पसंद हुंदी सी ना, मैं उहनूं खरीद लैंदी सी। पर एक दिन इदा दा समा भी आया, मैं एक दिन एक शॉप ते गई तां उत्थे एक पिंक कलर दा सूट सीगा, एक ड्रैस सीगी बहुत प्यारी जी। मैं उहनूं देखिया, उहदा रेट थोड़ा हाई सीगा, ते दुकान वाला मैनूं जानदा सी, मैनूं कहा, मैं कहा मैनूं खरीदूंगी तूं इहनूं बेची ना। कहिंदा नहीं बेचना। मैं हफ्ते बाद फिर गई उत्थे टंगी उसी, मैं कहा तू मैनू बेची ना, मैनू खरीदना है। कहता कोई गल नहीं, बेचो। चार पांच हफ्ते गए, निकल गए। एक दिन मैं गई, मैं कहा कितने गई, वो कहता मैं बेचती। मैं बहुत दुख लगा, मेरे मन बहुत ठेस पहुंची कि मैं जो चाहती सी मेरे मिलया नहीं, वो बिक गया। पर मैं उस टाइम में परमेश्वर का वफादार रखा मुझे। जो ते परीक्षा का समा आना है ना, तो तुम टोलना नहीं गा, तुम हारना नहीं गा, तुम दौड़ना नहीं गा, कपड़िया नालों फट के तुम परमेश्वर को प्यार करना। हालेलुया। सोने चांदी नालों फट के तुम परमेश्वर को प्यार करना। ताडा जे सारा कुछ लुट भी लेंदे आ तां कोई गल नहीं, परमेश्वर ताडे नाल तुहानूं टुकड़ा देण दी शक्ति दिंदा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पर एक दिन इदां दा आया कि मेरा एक बर्थडे सीगा, मेरे सच सोचते एक सिस्टर सी, उन्हें पता सी भी मेरे पिंक कलर बहुत मेरा पसंद, मेरे फेवरेट आ। तो एक बहुत प्यारी जो ड्रेस लेके आई और उन्हें मैं दसिया ने, उन्हें मेरे रूम च रख दिते। तीन चार घंटे मेरे कमरे च पई रही, पई रही। जब मैं उत्थे जाके एंटर की, मैं एक लिफाफा देखा, मैं कहा आ की है। जो मैंने खोल के देखा, ओ मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट ड्रेस सी। हालेलुया। एक बार ताली बजा के परमेश्वर की तारीफ करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। तू तो सुन रहे हो मैनू, प्रभु तेनू देगा, लेकिन तुसी प्रभु के नाल वफा कर रहना, चिंता नहीं करनी। कई बार आप गुस्से हो जाने ना रब ना, तू रब्बा मेरा आ नहीं करता, तू मैनू वो नहीं किया। जो उन्हें करता उसका धन्यवाद, जो उन्हें नहीं किया ज्यादा धन्यवाद करो परमेश्वर का। हालेलुया। की करो फिर, ज्यादा धन्यवाद करो। तू मैंने नहीं दिता कोई गल नहीं, प्रभु नाल बेस्ट देगा, बेटर देगा। आमीन। जो तक खोलिया रब ने, माड़ा नहीं किया रब ने, चंगा ही किया, उहदे नाल बेस्ट तुहानू देगा। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने दिन मैं सुन रहा हूं, चिंता करने और चिंता करने और चिंता, कोई गर्मी की चिंता है, सेक की चिंता है, रोटी की चिंता है, भुख की चिंता है, किसी को कपड़े कितों आने चिंता है, पैसे कितों आने चिंता है, किनू चिंता, ऊपर बैठा। आमीन, आमीन। तो जे तुसी ब्लेस होना तो खुश रहना। आमीन। की रहना, ताडे मत्थे ते तीड़ियां नहीं पैनिया चाहिए अज तो बाद, समझ गए। इदा नहीं सवेरे उठना, ऐ तीड़ियां सवेरे उठना,
प्रभु तेरा धन्यवाद मैं ब्लेस आमीन सवेरे उठ दे शीशे मरे देखना ओ आई एम सुपर ब्लेस्ड आमीन की कहना आई एम सुपर ब्लेस्ड जिंदगी में तार बना लो जिंदगी खुशनुमा बनेगी आमीन खुदावंत ने ना वचन को बरकत दे।